केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश में एक बार फिर कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। दो दिवसीय दौरे पर गुना पहुंचे सिंधिया ने उमरी गांव में 800 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को बीजेपी में शामिल कराया। इस दौरान उन्होंने उमरी गांव के आदिवासियों को करोड़ों रुपए की सड़कों की सौगात भी दी। इस दौरान उन्होंने गुना में शिकारियों के साथ हुई मुठभेड़ में शहीद हुए आरक्षक नीरज भार्गव जी के निवास पहुंचकर शोक संवेदना व्यक्त की। इस दौरान उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में सरकार शहीदों के परिजनों के साथ खड़ी है। गुना में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंच से लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ बताया। उन्होंने कहा, मैं जब ऊर्जा मंत्री था तो मैंने नियमों को ताक पर रखकर गुना जिले के लिए सबसे ज्यादा योजनाएं स्वीकृत कराई ताकि क्षेत्र की जनता को योजनाओं से लाभ ज्यादा से ज्यादा मिले। अपने दौरे के दौरान सिंधिया ने बीजेपी के पदाधिकारियों से भी मुलाकात की। इसको लेकर सिंधिया ने ट्वीट करते हुए लिखा कि गुना में युवा सम्मेलन में भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला पदाधिकारियों, मंडल अध्यक्ष व मंडल पदाधिकारियों के साथ बैठक कर संवाद किया। युवा मोर्चा का प्रत्येक जांबाज कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्यू इंडिया के स्वप्न को साकार करने के लिए निरंतर परिश्रम करता रहेगा। गुरुवार को हुई बैठक को लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आज गुना में भाजपा पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक जनमानस तक पहुंचाने एवं संगठन को और मजबूत बनाने संबंधी विभिन्न रणनीतियों एवं कार्य योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने गुना एनकाउंटर पर बोलते हुए कहा कि जिन लोगों के घर कांच के होते हैं उन्हें दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। दरअसल ये बात उन्होंने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए कहा। उन्होंने साथ ही कहा कि हमारे जवान सिपाहियों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए हैं। मैं मध्य प्रदेश पुलिस को सलाम करता हूं। पंचायत और नगरी चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री कहा कि आरक्षण को लेकर भाजपा में लड़ाई थी। कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में सब कुछ आरक्षण को नष्ट कर दिया था, भाजपा ने दोबारा स्थापित किया है। पंचायत एवं नगरी निकाय के चुनाव को लेकर हम पूरी तरह से तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएल।